सुनो रे जन जरा लगा के मन, सुनो सुनो रे जन जरा लगा के मन। 90.8 पर, 90.8 पर पंथ नगर जनवानी, पंथ नगर जनवानी, पंथ नगर जनवानी। रा 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 रीरा, रा 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 रीरा, सुनो सुनो रे जन जरा लगा के मन, सुनो सुनो रे जन जरा लगा के मन। 90.8 पर, 90.8 पर पंथ नगर जनवानी, पंथ नगर जनवानी, पंथ नगर जनवानी। रा 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 रीरा, रा 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 रीरा। Use me, अरे use me, नहीं use me, oh oh। जैविक कूड़े को डालने के लिए यूज मी, यानी हरे रंग के डस्टबिन को। अजैविक कूड़े को डालने के लिए यूज मी, यानी नीले रंग के डस्टबिन को। तो क्या आपने यूज किया यूज मी को? पर नगर जनवानी द्वारा जनहित में जारी। मैं डॉक्टर जे कुमार, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हूँ। मैं यहाँ अधिष्ठाता कृषि एवं रजिस्ट्रार के पद पर आसीन हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं पन्नगर जनवाणी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, पन्नगर जनवाणी 90.8 एफएम पर आपका हार्दिक स्वागत है। नित्य की भांति अपने कार्यक्रमों के साथ, और आज हम सबका सौभाग्य है कि फिर से हम सबके साथ में हैं अपने माननीय कुलपति डॉक्टर मंगला राय जी। जैसा हम सबको अवगत ही है, विगत अनेक दिनों से निरंतर हम सब जानते समझते पढ़ते देखते चले आए हैं, माननीय डॉक्टर मंगला राय जी जिन्होंने देश के कृषि को नेतृत्व दिया, अभी पंतनगर विश्वविद्यालय के अपने माननीय कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय निरंतर चहुर्मुखी प्रगति कर रहा है। तो आज डॉक्टर मंगला राय जी का हमारे श्रोताओं की ओर से और स्टूडियो की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, एक बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे, श्रोताओं का कॉल भी आते हैं, विद्यार्थियों से वार्ता होती है, तो एक उत्कंठा होती है विद्यार्थियों की, श्रोताओं की। मनुष्य पाना तो सब कुछ चाहता है लेकिन उसके अनुरूप मेहनत नहीं करता। अतीव परिश्रम करने की, परिश्रम के पराकाष्ठा तक जाने की जो इच्छा शक्ति होती है, वो इच्छा शक्ति कैसे पैदा होती है? क्योंकि जिस प्रकार से सभी देखते हैं आपको, जिस प्रकार से काम करते हुए लगे हुए, और उसको देखकर एक प्रश्न ये मन में जागता है कि ये परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंचा जाना ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये हम और हमारे श्रोता और विद्यार्थी आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को डिजर्व करना चाहिए तब डिजायर करना चाहिए। जी, लोग करते क्या हैं कि वो डिजायर करते हैं और उसके लिए नहीं देखते कि हम डिजर्व करते हैं कि नहीं। जी, और इसीलिए गीता में भी कहा गया कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर आपका अधिकार है फल पर नहीं। जी, जो व्यक्ति फल पर अपनी आंख गड़ा लेता है उसको कष्ट तो होना ही होना है। जी, इसलिए फल की इच्छा किए बगैर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म जब आप करते हैं तो आपको असीम ऊर्जा मिलती है, इसका अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब आप निष्काम कर्म करेंगे। तो निष्काम कर्म जो है वही मूल मंत्र है किसी व्यक्ति का। पर होता क्या है कि आज के मेटलिस्टिक वर्ल्ड में व्यक्ति चाहने लगता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, उसमें कष्ट भी होता है, काम करने की सामर्थ्य कम हो जाती है और लाभ तो निश्चय ही कम होता है। जी जी जी। तो ये श्रोताओं, हम सब ने दो बातें इसमें से स्पष्ट रूप से देखी, कर्म ही शक्ति देता है और वह भी तब जब
कर्म निष्काम भाव से किया जाए। अब ये निष्काम कर्म की जो संकल्पना है, जबकि अपेक्षा ना करें परंतु कर्म से कर्म में संलग्न हो, शायद शक्ति इसी में से उत्पन्न होगी। ये बात माननीय कुलपति जी के जीवन से भी देखने को मिलती है। एक विषय और भी है, विगत एक मास से निरंतर आप विश्वविद्यालय में हैं और इस एक महीने के छोटे से अंतराल में विश्वविद्यालय के हर परिवेश में एक परिवर्तन की लहर सी दिखती है और हर व्यक्ति उससे कहीं न कहीं स्पर्श में है, कोई अछूता नहीं है। तो ये परिवर्तन की जो लहर है पूरे विश्वविद्यालय में और उसके कारण से हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं एक उत्कंठा में है कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। ये जो क्वेस्ट ऑफ एक्सेलेंस, क्वेस्ट ऑफ अचीवमेंट है, ये सस्टेन कैसे करे, ये बना कैसे रहे, ये परिवर्तन की चाहत, ये हृदय में जाज्वल्यमान अग्नि की भांति धधकती कैसे रहे। ऐसा है कि ये परिवर्तन मैं भी देख रहा हूं, नित देख रहा हूं, निरंतर देख रहा हूं, अबाध गति से देख रहा हूं। और जब परिवर्तन किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलता है तो वो शाश्वत होता है, वो बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है। और ये परिवर्तन मेरी वजह से नहीं हो रहा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये परिवर्तन लोगों की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति इस विश्वविद्यालय को पराकाष्ठा पर देखना चाहता है। उसके मन में एक कसक थी, एक पीड़ा थी, एक आह थी, एक वेदना थी, एक व्यथा थी और वही व्यथा हर व्यक्ति के रूप में अब जो है प्रज्वलित हो रही है, सामने आ रही है और हर व्यक्ति अपने मन से निःसंदेह पहले से ज्यादा काम कर रहा है। ये तो मैं रोज देख रहा हूं और हर व्यक्ति कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी भाई बहन, सभी विद्यार्थी, सभी अध्यापक, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी अपने मन से पहले से निश्चित रूप से कर रहे हैं काम। अच्छा, चूंकि अपने मन से कर रहे हैं जी, तो ये निश्चित रूप से टिकाऊ होगा, ये निश्चित रूप से और बढ़ेगा और जब ये बढ़ेगा तो इसका फल भी मिलने लगेगा जी। अब उदाहरण के लिए मेरे पास अभी एक सज्जन दो घंटा पहले आए थे और एक प्रोफेसर की चेयर जो है जी देने की बात कर गए। तो अब कृषि महाविद्यालय में एक प्रोफेसर की चेयर होगी, उसकी सारी तनख्वाह जितने सारे प्रोफेसरों को मिलती है उससे 5% ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और 3 लाख रुपया कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए भी मिलेगी, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। वही मेरे से कहा गया कि मैं जो हूं एक बहुत अच्छी फेलोशिप जो है यहाँ के लिए करना चाहता हूँ। दूसरे सज्जन जो है कह गए कि मैं 12 लाख रुपया देके एक अवार्ड इंस्टीट्यूट करना चाहता हूँ। तो ये कोई किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं हो रहा, लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप जो है ये सब चल रहा है। ये लोगों की भावना है, लोगों को विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की कामना है जिसकी वजह से हो रहा है और ये स्वतः है। इसलिए स्वतः जो होता है वो शाश्वत होता है, इसमें मेरे को कोई संशय नहीं, मेरे मन में कोई कभी भी कोई संशय नहीं रहा जी। बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही उचित आपके विचार के, जो स्वतः है वही शाश्वत है। प्रकृति में भी जो कुछ स्वतः है वही शाश्वत है। हर ओर हम देखते हैं, अपने 5 एलिमेंट्स को देखते हैं तो भी हम इस बात की अनुभूति कर पाते हैं। आपने एक पत्र लिखा अपने सारे पुरातन छात्रों को और उस पत्र की बड़ी चर्चा है सर्वत्र, समस्त पुरातन छात्रों के बीच में। जब हम लोग जाते हैं फेसबुक पे तो सारे पुरातन छात्रों के जो फेसबुक ग्रुप्स हैं सब में उसकी बड़ी सर्वत्र चर्चा है और उस पत्र का जो भाव था वो भाव बड़ा मर्मस्पर्शी है। सभी विद्यार्थियों ने, सभी पुरातन छात्रों ने उसको हाथों हाथ लिया, बड़ी उसके प्रति उत्सुकता दिखाई। उस पत्र को लिखने के पीछे का भाव क्या था? ऐसा है कि जब मैं आया तो मुझे बताया गया कि यहाँ धन का नितांत अभाव है जी। मेरी एक आदत है, मैं तो बचपन से अपनी माँ से भी कभी पैसे नहीं मांगा, मैं सर झुका के कहीं नहीं जाता जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पैसे तो चाहिए, तो पैसा तो ज्ञान से आता है जी और ज्ञान तो यहाँ के छात्रों के पास है जी। मैंने सोचा पैसा तो अनुभव से आता है
और वो यहाँ के छात्रों के पास है। मैंने सोचा इन सारी चीजों को अगर मैं समाहित करता हूँ, अगर अध्यापकों की कमी है तो मेरे बहुत से छात्र ऐसे हैं जो आज रिटायर्ड हैं, वो आके पढ़ा सकते हैं जी। मैंने सोचा अनुसंधान को अगर नई दिशा देनी है तो मेरे बहुत छात्र हैं जो आके कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले मेरे को किसी से धन मांगने के पहले मुझे अपने छात्रों के पास जाना चाहिए जी जी, क्योंकि मैं भी यहाँ का छात्र हूँ, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने मुझे भी DSC दिया हुआ है, तो मैं भी एल्यूमिनाई हुआ जी जी। तो जो मैं हूँ तो मैं अपने सहयोगियों के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा जी। और उसका मुझे रिस्पांस भी मिलना शुरू हो गया और जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है जी जी जी। तो ये वास्तव में ही अपने विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी पूंजी, अपने पुरातन छात्र जो 1960 से लेकर आज तक विश्वविद्यालय से निकले, विभिन्न महाविद्यालयों से, और सभी ऐसा मानते और कहते हैं कि जहां कहीं भी जाते हैं पंतनगर उनके हृदय में धड़कता है कहीं न कहीं। आज माननीय कुलपति जी के आह्वान पर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्रों का समूह भी सब विश्वविद्यालय के साथ सन्नद्ध दिखता है, जो हमें दिखने लगा है। हमारे समुदाय से भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कहीं न कहीं जाहिर की, जिसको कि हमने आज के कार्यक्रम के लिए रोक कर रखा था। तो देखते हैं एक प्रतिक्रिया, एक कृषि महाविद्यालय के एक प्राध्यापक की प्रतिक्रिया है, जो अपने जो इस समय प्रक्रिया चल रही है परिवर्तन की, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि अभी हाल में ही माननीय कुलपति द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का रिव्यू किया जा रहा है, मेरे ख्याल में यह बहुत ही सराहनीय कदम है। एक हमारे पास ऐसे कुलपति जी हैं जो इस बात को जानने में इच्छुक हैं कि विभिन्न परियोजनाओं में क्या काम हो रहा है और उसमें कैसे उसको उन्नति के रास्ते पे लाया जा सकता है। दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, उसमें सभी परियोजनाओं में एक नया दिशा दर्शन दिया जा रहा है कि किस दिशा में चलें तो पन्नगर को या जिस क्षेत्र में वो शोध कार्य कर रहे हैं उसमें से दूरगामी परिणाम मिलेंगे जो कि देश की कृषि के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और सभी वैज्ञानिकों को भी इसमें उत्साहवर्धन हो रहा है, उनको एक एनर्जी मिल रही है और कम से कम उन्हें लग रहा है कि कोई तो है जो उस काम को देखने आ रहा है या उसमें मार्गदर्शन करने आ रहा है, और बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शन माननीय कुलपति जी ने किए हैं। ये निस्संदेह हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है और बहुत सराहनीय कदम है। इस विषय में जैसा एक प्रतिक्रिया थी, ये आत्म अन्वेषण की जो प्रक्रिया है और आत्म अन्वेषण, आत्म अनुसंधान के माध्यम से उत्कृष्टता पाने की जो प्रक्रिया है, इस हिसाब से जो ये निरंतर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह की प्रक्रिया चल रही है, जहां के पूरे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को, समूहों को ये सोचने का मौका मिल रहा है कि अभी तक उन्होंने क्या किया और ग्लोबल लेवल पर क्या हो सकता है, किस दिशा में जाने की आवश्यकता है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो परिवर्तन है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा ही जी। पर यह है कि परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है जी, और उस परिवर्तन की दिशा को आप अपने अनुकूल किस तरह से मोड़ सकते हैं जी। तो प्रयास यही है कि देखा जाए, कल को क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस पर दृष्टि गड़ा करके ही आज निर्णय लेते हैं जी। और उसी को कहते हैं परिवेश। तो बदलते परिवेश में कृषि अनुसंधान और विकास की दिशा और दशा तय करना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ दिख रहा है जी। तो जो दिख रहा है उसमें दो चार चीजें तो बड़ी स्पष्ट हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आबादी बढ़ रही है तो पन यूनिट जमीन पर जो है प्रेशर बढ़ रहा है जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जल जो है कांस्टेंट है और उसकी नितांत आवश्यकता होगी जी। इसमें तो कोई नहीं है कि गुणवत्ता जो है जमीन की घट रही है। इस तरह से सैकड़ों चीजें ऐसी हैं जी। उनका ज्ञान है, साथ ही साथ उनका भी ज्ञान है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है,
पहले आंख से देख के आप जाते थे खेत खेत पे, कहते थे कि इसमें बीमारी लग गई, इसमें पानी देना है। अब आप जो है आसमान से जो है सेंसर बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम देख के जो है कर सकते हैं। पहले जो है आप छिड़कते थे फर्टिलाइजर, आप पंद्रह तरह से आप दे सकते हैं, डिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मशीनरी आ गई, प्रोसेसिंग के आ गए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप अनेकानिक से आ गए, ट्रांसपोर्टेशन आ गए, भंडारण आ गया, मूल्य संवर्धन की विधाएं आ गई, तो सब दिख रहा है। तो उसके हिसाब से हमारे को कृषि को नया मोड़ देना ही होगा, परिवर्तन करना ही होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना ही होगा। तो उसी दिशा में जो विचार विमर्श है, अभी आप जो है परियोजनाओं की बात कर रहे थे, आज जो है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की दो दिन की लगातार मीटिंग और एक दिन की मीटिंग 11 घंटे चल रही है जी। तो आप उसमें देखेंगे कि अनेकानेक दूरगामी योजनाएं जो है उसमें बनी है, और हमारे पास धन की कमी है लेकिन उनके लिए धन की कमी नहीं आने दी गई। ये पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास में हो रहा है कि हम कोर रिसर्च प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, और वो हम आज अभी आपके यहाँ आने के पहले मीटिंग खत्म हुई है, दो दिन में कर चुके जी। और हमने निर्णय लिया है कि 3 करोड़ रुपया हम इसमें अभी इसी वक्त इसी साल डालेंगे, और ये आने वाले वर्षों में पता नहीं कितने करोड़ डालेंगे जी। तो वो हमने शुरुआत कर दी, और वो हमने शुरुआत कर दी अपने सीमित संसाधनों से जी। कहां से पैसा बचाएं, कहां से मोटिवेट करें, कहां से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। और आज तक लोग कहते थे कि यहाँ पैसा नहीं है, लेकिन मेरे को तो आज 40-45 दिन आए हो गया जी। उससे कुछ हाँ इतना ही हुआ होगा, नहीं अभी करीब करीब 50-55 दिन हो गया। 50-55 दिन में मुझे तो कोई दिखा नहीं कि किसी को पैसे की आवश्यकता हो और न दिया गया हो जी। तो वो तो दिखा नहीं। तो ये जो एक चर्निंग का प्रोसेस है, और इस चर्निंग के प्रोसेस में जो उत्कृष्टता की चाहत पैदा हो रही है, और सभी प्रक्रियाओं में पहली बार विश्वविद्यालय में इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंट है सभी फील्ड्स में, ये इसी प्रकार का वातावरण जो शिक्षण का कार्य है, शिक्षण का मैंडेट जो है विश्वविद्यालय का, जो टीचिंग का मैंडेट है, जो शिक्षक कक्षाओं में होते हैं, और जो कक्षाओं में शिक्षक जो कुछ भी करते हैं, जो लर्निंग क्रिएट करना, ये जो एक मैंडेट है कक्षाओं में, लर्निंग क्रिएट करना, अपडेटेड लर्निंग क्रिएट करना, सैचुरेटिंग फीलिंग लाना विद्यार्थियों के बीच में, कि विद्यार्थी निकले तो उत्फुल्ल होकर निकले, उल्लास के साथ निकले, और उसे नई लर्निंग, नए चैलेंजेस उसकी रगों में दौड़ता हुआ हो, इस प्रकार का वातावरण टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पैदा? ऐसा है कि मैं कई क्लासेज में बैठा जी, और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज भी पंतनगर में ऐसे शिक्षक हैं जी जिनके सामने सर नमन करने की इच्छा होती है जी। मैंने एक दो कक्षाओं में देखा क्या टीचिंग है, क्या उनका क्या प्रोविंग क्वेश्चन है, क्या इंटरेक्शन है, क्या रिस्पांस है जी। वो वंदनीय है। तो ऐसे शिक्षक यहाँ अभी भी हैं जी। अब ये जरूर है कि कहीं कहीं जो है कमियां आ गई हैं जी, बहुत जगह कमियां आ गई हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ छात्रों को, अगर छात्र मेरे सुन रहे हैं जी जी, कि वो अगले सेशन में जब आएंगे तो एक पूरा का पूरा नया कलेवर पाएंगे जी जी। मैंने ये निर्णय लिया है कि जितने पद खाली हैं, क्योंकि 17 तारीख से आप देखेंगे कि हम 4-4, 5-5 बोर्ड लगा के बैठ रहे हैं जी जी। आप देखोगे कि थोड़े ही दिन में सारी पोस्टों के एडवर्टीजमेंट आ जाएंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी यहाँ से निकल के गए हैं उन पोस्टों के खिलाफ अप्लाई भी करें, वो आए उनका स्वागत है जी जी। और जो हमारे पढ़ रहे विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से उनको पहले से बेहतर जो है शिक्षा अवश्य मिलेगी, इसमें मुझे कोई रंच मात्र भी शंका का स्थान नहीं लगता। रही बात कुछ टीचर है, देखिए कुछ टीचर होते क्या है कि टीचिंग एक कला है, विद्वता की कोई कमी नहीं होती लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हम अभी कल ही हम लोगों ने इस पर एक बहुत बहस की है, 1 घंटा सारे डीन सारे सीनियर प्रोफेसर मिलके बहुत बहस की है कि कैसे टीचिंग की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। उसमें एक पेपर भी है जो आज आप देखोगे वो वाइट सर्कुलेशन में होगा, क्या हम चाहते हैं उस पर देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसका टॉपिक ही है रिसर्च इन एजुकेशन। तो हम एजुकेशन को उन्नयन और विकास
का व्हीकल बनाना चाहते हैं इस देश में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होगा, दक्षता नहीं होगी, तो ये सारे के सारे न रिसर्च हो जाएगा होगा न प्रचार प्रसार हो पाएगा, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी, अब रीओरिएंटेशन टीचर का आवश्यक है जी, टीचिंग कला में रीओरिएंटेशन की आवश्यकता है, और ये में हमारे जो अच्छे टीचर हैं वो इंटरेक्टिव प्रोसेस से और अपने सहयोगियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी होगा, इसमें रीओरिएंटेशन करना है तो वो भी होगा, इसमें दक्षता बढ़ानी है तो वो भी होगा। उदाहरण के लिए आईपीआर के अंदर जो है अब 5 जून को हम 5-6 लोगों को बाहर से बुला रहे हैं और पूरे दिन अपने टीचरों के रीओरिएंटेशन के लिए ही ये काम कर रहे हैं। तो एक दिन बिना गवाए 5 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं और ये चलेगा और ये बात गति से चलेगा जी जी जी। तो ये शिक्षण की गुणवत्ता का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने बड़े सम्यक रूप से उस विषय को स्पर्श किया। जो शिक्षण के लिए जो कॉन्टेंट है, विषय वस्तु है, वो रगों में दौड़ता हुआ हो, और शिक्षण की जो विधा है वो विधा एक्सप्रेस करने वाले, जो लर्निंग को क्रिएट करने वाले शिक्षक, ऐसे शिक्षकों की तादाद इस विश्वविद्यालय में बढ़े और इसके माध्यम से सैचुरेट कर सके विद्यार्थियों की उत्कंठा को, उनकी प्यास को जो, और जगा भी सके उनकी भूख को, इस प्रकार के शिक्षकों की संख्या बढ़े, इसको लेकर आप आश्वस्त हैं। और श्रोताओं, आज माननीय कुलपति जी हमारे साथ में हैं, और अगर आप एकदम से जुड़ता हुआ कोई प्रश्न लेना चाहें तो कुछ समय के लिए फोन लाइन्स खोलेंगे आपके लिए, और आप अगर इच्छुक हों तो उस दिशा में आप अपने फोन लाइन्स को यूज कर सकते हैं। तब तक हम चलते हैं फिर से एक रिफ्लेक्शन की तरफ, जो यहाँ की एक अध्यापिका ने, जो जहाँ आप एक बार गए अपने प्रवास के दौरान, और उस अध्यापिका ने, स्कूल की अध्यापिका ने जो एक पॉइंट उसमें से पकड़ा तो वो उन्होंने शेयर किया। मैं मंजू जोशी बालीलम स्कूल की अध्यापिका हूँ। कुलपति महोदय जब से आए हैं विश्वविद्यालय में बड़ा अच्छा सा माहौल देखने को मिल रहा है। पहली मुलाकात मेरी जो है उसे 10 अप्रैल को हुई थी, जो हमारे विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में उनसे मिलने का सौभाग्य मिला हमें। तो उसमें हमने उनके एंटर करते ही हमारा ध्यान गया कि जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर एंटर किया और वहीं से उन्होंने बोला चलिए पहले परिचय दीजिए, मतलब कि एक एक मिनट एक एक सेकंड का कितना हिसाब रखते हैं और उसको यूज करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत प्रभावित हुई मैं उनकी इस बात से। उसके पश्चात हमारे विद्यालय के जो भी मामले डिस्कस किए गए उसमें उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि इसको यदि आप लिख करके लाते तो हमारा इतना भी टाइम बर्बाद नहीं होता। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि वाकई में अगर हम इसको लिख के ले जाते जो कि हम मौखिक डिस्कस कर रहे थे कई मामले, तो वो और कम समय में हो जाता। तो उन्होंने हमें एक समय का महत्व इशारों इशारों में बता दिया, ये मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। ये एक अध्यापिका थी अपनी जिन्होंने के दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी, लेकिन उन्होंने उस बात को गौर किया। और ये चीज अभी जो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत बार बहुत सारी बातें करने के मुकाबले में एक छोटा सा प्रस्ताव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आपके वर्किंग अप्रोच में भी ये बात है कि आप इस बात को ज्यादा प्रीफर करते हैं कि दो छोटे से भी छोटे से शब्दों में उस बात को लिख कर भेजा जाए बजाय इसके कि बड़ी बातें बैठकर की जाए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि देखिए कई चीजों में इंटरेक्शन बड़ा जरूरी होता है जी, और ये नहीं है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आपको कोई अप्रूवल लेना है, कोई सैंक्शन लेना है, कोई ये, तो वो लिख के जाना चाहिए, तुरंत आ जाएगा, आप टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। पर हाँ, अगर साइंस टेक्नोलॉजी डिस्कस करना है तो घंटा भर 2 घंटा 4 घंटा डिस्कशन होना चाहिए। कोई जो है नई जो है शिक्षण की प्रणाली डिस्कस करनी है तो वो घंटों डिस्कशन होना चाहिए। इस तरह का कोई प्रसार अनुसंधान, कोई शिक्षण, इस तरह की चीजें हैं जहां क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज की आवश्यकता हो, वहां कागज पर लिखा नहीं चलता, वहां जो है लंबा डिस्कशन होना चाहिए। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कुछ चीजें डिस्कशन से निकल के आती हैं जहां चर्निंग, जहां आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट की आवश्यकता होती है। आपको एक गाड़ी चाहिए कहीं जाने के लिए, तो उसके लिए आप क्यों आएंगे मेरे पास? जी, वो तो इतनी बड़ी चिट चली जाए तो उसी पर हो जाएगा, या फोन चला जाए तो उसी पर हो जाएगा, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे जी? आपको जो है कोई सैंक्शन यहाँ के लिए चाहिए, उसके लिए आप मेरे पास क्यों आएंगे? वो आपका समय बच जाएगा। तो सवाल यह है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। डिस्कशन के अलग विधाएं हैं,
उसके लिए अलग काम है, वो अलग वस्तुओं के लिए है। जहां कोई मतभेद होता है, जहां एक दूसरे का एप्रिसिएशन नहीं होता, वहां क्लेरिफिकेशन की जरूरत होती है। 99% चीजों में क्लेरिफिकेशन की जरूरत होती ही नहीं जी, अनलेस एंड अंटिल कि आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो क्यों आ रहे हो भाई जी, जी, क्यों टाइम को बर्बाद कर रहे हो, अपना भी और दूसरे का भी, वो आप भेज दो जी। क्योंकि आप अगर कंफ्यूज्ड हो किसी बारे में तो जिसके पास जाओगे आप उसको भी कंफ्यूज कर दोगे आप, तो उसका भी टाइम बर्बाद होगा। तो कम से कम जब आप लिखेंगे तो कंफ्यूजन वाली स्थिति तो नहीं रहेगी, क्योंकि आप जाएंगे तो दो चार जो है बढ़िया बढ़िया शब्द यूज करेंगे, सर आप कैसे है, ये है वो है, टाइम ये बर्बाद नहीं होता जी, जी। तो ये टाइम बच जाता है, ये टाइम बच जाता है जी। और विद्यार्थियों के जो बदलते हुए परिवेश की अनुभूति विद्यार्थियों को सभी महाविद्यालयों में हो रही है, और जिस प्रकार से विद्यार्थी उन सारे बदलते परिवेश से अभिभूत हैं और उनकी प्रतिक्रिया निरंतर हमारे पास पंतनगर जनवाणी तक आती रहती है, उनके संपर्क में हम निरंतर बने रहते हैं, और उसके साथ साथ विद्यार्थियों की कुछ उत्कंठाएं होती हैं कि इतने सारे बदलते परिवेश में एक बात और हो जाती ये वाली तो कितना आनंद होता। तो कुछ इस प्रकार की एक उत्कंठा लेकर एक विद्यार्थी ने एक अपना मैसेज किया। डॉक्टर मंगला राय सर को मेरा नमस्कार। आई एम सचिन उप्रेती फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपके आते ही आई थिंक एवरीवन इज एंथुजियास्टिक एंड द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज बीन इंक्रीज आफ्टर यू हैव अराइव टू दिस यूनिवर्सिटी। सर मेरे कुछ रिक्वेस्ट थी रिगार्डिंग माय कॉलेज दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। कॉलेज ऑफ फिशरीज में एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसके तहत 3 स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू विजिट फ्रांस एंड फ्रांस से भी कुछ स्टूडेंट्स पन्नगर आते हैं। सर इज इट पॉसिबल कि ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बाकी कॉलेजेस में भी हो एंड आई वॉन्ट दिस टू बी अप्लाइड टू माई कॉलेज ऑल्सो दैट इज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसा है कि जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो दो पार्टीज के एग्रीमेंट के बीच में होता है। तो फ्रांस के लोग फिशरीज में एग्री किए हैं जी। अगर जर्मनी वाले या अमेरिका वाले या यूके वाले या ऑस्ट्रेलिया वाले टेक्नोलॉजी के बारे में आएंगे तो मैं तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, पर आए तो कोई और आने के लिए क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। इंतजार करिए, थोड़े दिन में मेरे को विश्वास है बहुत लोग आएंगे। जब हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो लोग दौड़े आएंगे। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और थोड़ा मेहनत करिए, हम भी और करते हैं। रही बात बच्चों की, मेरे पास बच्चे लिखते हैं चिट्ठी, बहुत इनानिमस भी आता है जी। आज मैं एक आने के 10 मिनट पहले एक इनानिमस लेटर पढ़ रहा था, हमारे बच्चों का ही था और टेक्नोलॉजी के ही बच्चों का था। उन्होंने कई बातें कही थी, वो तो सब बातें हो जाएंगी, लेकिन एक चीज जो मेरे को बहुत दुख दे गई उसमें अंत में बच्चों ने ये लिखा था कि हम आपसे अच्छा खाने के लिए नहीं कह रहे, मैं जानता हूं तुम्हारा खाना बहुत खराब है, मैं जानता हूं, मैंने एक्शन ले लिया है इसके बारे में, सारे वार्डन्स को गया है, डीएसडब्ल्यू को गया है, मुझे जो करना है मैं कर चुका हूं और जो करना है वो करूंगा, लौट के तो आओ अगले सेमेस्टर में, अगर खराब रहेगा तो मेरे से बोलना, ये तुम मेरे बच्चे हो, सारे बच्चे हो, मैं कैसे खा सकता हूं अगर तुम लोग का खाना खराब रहेगा तो। जी जी, तो विद्यार्थियों का सब तरफ से इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे ही ये हमें संदेश हुआ था कि एल्यूमनाई ग्रुप्स को हमें रिक्वेस्ट करके हमें उनसे एड्रेसेस कलेक्ट करने हैं, तो हम लोगों ने 3-4 एल्यूमनाई ग्रुप पे हमने मैसेजेस छोड़े थे कि माननीय कुलपति जी की इच्छा है कि वो आपसे सीधे संवाद करें, आपको एक पत्र लिखें, इसीलिए आपके एड्रेसेस की जरूरत है। और आगामी 2.5 घंटे के अंदर में 1000 से अधिक एड्रेसेस हमारे पास आए थे। इस प्रकार से ओवरवेलमिंग रिस्पांस जिसको कहा जाता है, वो ओवरवेलमिंग रिस्पांस सब तरफ से सर्वत्र से ये ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला था और सभी एकदम से एकदम साथ साथ खड़े हुए थे। वैसे ही विद्यार्थियों के कॉन्टेक्स्ट में आज भी है कि बहुत कुछ हो सकता है आगे भी, परंतु निरंतर ये परिवर्तन हो रहा है जिसको हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं। श्रोताओं, अब फोन लाइन हम ओपन कर रहे हैं और अगर कोई भी चाहते हैं डायल करना तो थोड़े देर के लिए फोन लाइन ओपन है, अब आप लोग चाहें तो कॉल कर सकते हैं। इस बीच में एक प्रश्न जो छोटा सा और पूछना चाहेंगे माननीय कुलपति जी से, एक जो कॉल आ रहा है पहले देख लेते हैं फिर हम अपने प्रश्न की तरफ आएंगे।
हाँ नमस्कार, मैं पंतनगर जनवाणी से। प्रणाम सर। आप अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम केके सिंह है, मैं पंतनगर से बोल रहा हूँ। जी जी। कुलपति महोदय को मैं यहाँ से यथोचित अभिवादन बोलता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ। जी जी। और सर मैं चाहूंगा कि हमने इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति सर को आने के बाद देखा है, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा जगी है, जिसके लिए मैं इस मंदिर को, इस वीणावाली के मंदिर को भाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसा सेवक जिसकी हम लोगों को उम्मीद थी वो यहाँ पर प्रतापन कर चुके हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और सर चार पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा इसी संदर्भ में। जी। माँ वीणावाली के मंदिर को फिर से स्वच्छ बनाना होगा, खोया वो मान मिले वापस, मिलकर अभियान चलाना होगा, युग परिवर्तन में हम सबको मिलकर आगे आना होगा, मिलकर दिल से हाथ मिलाएं, इस युग की तरुणाई से युग विकास का चयन बनाएं, हम मिलकर भाई भाई से, रास्ते पथरेले हैं हमको, चोट भी कुछ खाना होगा, युग परिवर्तन में मिलकर, युग परिवर्तन में हम सबको मिलकर आगे आना होगा। बहुत ही सुंदर। दो पंक्तियां और बोलना चाहूंगा सर, कि सच्चा सेवक बनकर कोई मंदिर में अलग जगाया है, सब जड़ चेतन को शक्ति मिली, ये सब प्रभु की माया है, इस सेवक के संग संग हमको हर पल कदम मिलाना होगा, युग परिवर्तन में हम सबको मिलकर आगे आना होगा। सर पंक्तियां तो बहुत हैं लेकिन सर वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि ये पंक्तियां एक जो नई दिशा की तरफ इंगित कर रही हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूँ कुलपति जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि आपके भाव, अनुभाव और संचारी भावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। अब भाई मंदिर क्या है? मंदिर वह है जहाँ मन अंदर जाए। आपका भी मन और मेरा भी मन दोनों जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर तो घुस चुका है, तो हमारे आपके लिए तो मंदिर यही है। और रही बात क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये तो प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए और अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए इतनी अच्छी पंक्तियों में। और एक प्रश्न जो इससे पहले कि कोई दूसरा कॉल आए, एक प्रश्न जो माननीय कुलपति जी से मैं पूछ रहा था कि एक मुद्दा और होता है इन सभी ज्ञान विज्ञान की, इस जो ये स्थली है यहाँ पर हमारे साथ 6000 के करीब विद्यार्थी इस परिसर में होते हैं निरंतर, और विश्वविद्यालयों की एक बहुत बड़ा जो विश्वविद्यालयों का दायित्व है वो साथ में चरित्र खड़ा हो, राष्ट्रीयता खड़ी हो, समर्पण खड़ा हो, कंट्रीब्यूट करने की फीलिंग खड़ी हो, सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता भी विद्यार्थियों के जीवन में आए। पंतनगर से निकल कर जाएं तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार कुटुंब के लिए और पिछड़े हुए समूहों के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर निकलें, ये भाव कैसे जगे? चूंकि कोर्सेज डिसिप्लिन्स के साथ में ये एस्पेक्ट भी लाइफ का जो है जीवन से जुड़ता हुआ ये पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि बच्चा जो है ना वो तो क्लीन स्लेट होता है जी, और बच्चा वही करता है जो वो देखता है जी, जो वो अनुभव करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ठीक होंगे तो छात्र तो ठीक होगा ही होगा जी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जी, कुलपति की बढ़ जाती है, डीन्स डायरेक्टर्स की बढ़ जाती है, अध्यापकों की बढ़ जाती है, कर्मचारियों की बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वही सीखता है, वही देखता है और वही करता है, तो हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ गई है जी। और साथ ही साथ जो माहौल है जहां बच्चा रहता है, चाहे हॉस्टल है, चाहे वो मार्केट प्लेस में जाता है जहां विश्वविद्यालय में है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट स्टेशन में जाता है, चाहे वो अनुसंधान केंद्र में जाता है जी, चाहे वो अपने कॉलेज में लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो सब माहौल उसको बहुत प्रभावित करता है जी, पर जी। मेरा ये दृढ़ मत है और इस देश की ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता मैं मानता हूं जी। मैं मानता हूं कि शिक्षा जो तथाकथित शिक्षा है जी, वो लोगों को साक्षर बना देती है, लोगों को अक्षर का ज्ञान करा देती है जी, लेकिन शिक्षित मैं व्यक्ति को तभी मानता हूं जब उसमें इथिक्स, वैल्यूज, मॉरलिटीज हो जी, उसमें
दूसरे के प्रति सम्मान हो जी। उसमें अपने देश, अपने समाज, अपने विश्वविद्यालय, अपने संस्थान की गरिमा का एहसास हो और उसके अनुरूप जो है अगर वो अपने को ढालता है तो मैं उसे शिक्षित मानता हूँ। अदरवाइज तो पीएचडी करने के बाद भी आदमी साक्षर होगा लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हो जाए। मुझे आशा ही नहीं, वर्ण पूर्ण विश्वास है कि मेरे छात्र जो हैं अगर हम शिक्षित हैं तो वो भी शिक्षित होंगे। अगर वो शिक्षित नहीं है उसका सीधा मतलब है कि मैं साक्षर हूँ, शिक्षित नहीं। जी जी जी, तो निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट संदेश है कि वास्तव में शिक्षार्थी तो हमारे प्रतिबिंब हैं और जो मैं हूं वहां से विद्यार्थी जुड़ता है। अभी एक नया कॉलर जो जुड़ रहे हैं हमसे, उनसे मिलते हैं। हाँ नमस्कार, पंतनगर जनवाणी से। हेलो। हाँ हाँ, पंतनगर जनवाणी से नमस्कार। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम श्वेता है, मैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फाइनल ईयर से हूँ। हाँ श्वेता। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लाइफ में कंसिस्टेंट एफर्ट करने के लिए हम क्या करें। मतलब जैसे मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मुझे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के लिए क्या प्रिपरेशन करना है, तो इस टाइम तो मैंने बहुत मेहनत किया, एफर्ट किया, बट क्या होता है ना, जनरली एक बार कुछ अचीव कर लिया फिर हम रुक जाते हैं, फिर जॉब मिला फिर कुछ एफर्ट किया फिर रुक गए। बट लाइफ में कॉन्स्टेंटली कुछ अच्छा करने के लिए हम कंसिस्टेंटली एफर्ट कैसे करते रह सकते हैं। ऐसा है कि जो काम करते हो उस काम को प्यार करो, काम से जब प्यार हो जाएगा तो उसमें मजा आने लगेगा, तब रुकोगे ही नहीं, इतनी शक्ति आएगी कि बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। पहले ही टारगेट बना लेते हो कि यहाँ तक जाना है तो वहाँ जाते हो तो फिर आराम कर लेते हो। बात तो ये है ना, जो काम कर रहे हो उस काम में मजा लेना शुरू करो, पढ़ रहे हो पढ़ने को इंजॉय करना शुरू करो। मैं तुम्हारे को विश्वास दिलाता हूँ, अगर इंजॉय करना दोगे वो काम को तो थकोगे ही नहीं कभी, इतनी एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी जो है मिलेगी उसमें कि जितनी एनर्जी जो है खर्च होगी उससे ज्यादा होगी वो। और ये मैं बता रहा हूँ, एक बार 3 रात 4 दिन मैं लगातार काम किया हूँ, लगातार 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ और मेरा एनर्जी लेवल अंत में शायद पहले से ज्यादा था। तो ये मैं बता रहा हूँ, उसको इंजॉय करोगे तो निश्चित रूप से, काम को काम समझ के करोगे थक जाओगे। तो श्वेता, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो इस प्रकार से, हाँ श्वेता ठीक है, मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगी इस जानकर के लिए। हाँ ठीक है श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और बड़ा स्पष्ट संदेश है कि जीवन में लव द वर्क एंड यू आर नॉट टू वर्क इवन फॉर सिंगल मोमेंट। जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा यदि तुम काम को दिल से लगाकर, काम को प्यार से अपने जोड़ो और फिर लगातार वो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन को दिशा होती है। चलते हैं नए कॉलर की तरफ। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर कश्यप, मैं अविनाश कुमार गणेशपुर से बोल रहा हूँ। हाँ अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार, मैं कुलपत जी से मुखातिब होना चाहूंगा। जी जी हाँ हाँ, बोले बोले, मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ। यथायोग्य स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार आपका। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि ये विश्वविद्यालय मंदिर है, तो मुझे भाखड़ा नंगल बांध पे जब पंडित नेहरू उद्घाटन कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि आज का यही मंदिर मस्जिद है, तो बहुत सही बात है, ये मंदिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब माननीय, मैं ये चाहता हूँ, पिछली बार भी आपसे जब वार्तालाप हुआ था तो मैंने कहा था कि डेयरी और फिशरी, हम तराई में इस मामले में जो हम लोग किसान हैं, तो आपके मार्गदर्शन में कुछ हम लोग कर लें तो ये आपके लिए और हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी सर। हाँ निश्चित रूप से, डेयरी का रिनोवेशन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, फिशरी में हम एक दो गांव अभी अडॉप्ट करने वाले हैं और आज ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सीड प्रोडक्शन के लिए भी किसानों के 15-20 गांव अडॉप्ट करेंगे, तो ये शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। सर मैं ये कह रहा था ना, आपने पहली बार जब मेरा आपसे संपर्क हुआ, लाइव हुआ, तो आपने ये कहा कि भैंसें डिसिप्लिन हो गई हैं और वो लाइन में जाती हैं, तो हमें ऐसी भैंस तो मिल जाए और ऐसा भी मिले कि दूध उत्पादन हम लोग बढ़ा सके, तो आपके आभारी रहेंगे सर। ऐसा है कि अब ये ओवरनाइट तो सब नहीं हो जाता ना। ना ना ओवरनाइट नहीं, जो भी समय लगे इसके नहीं, नहीं। कदम उठ जाए। लेकिन विश्वास रखिए बढ़ेगा।
बढ़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। विश्वास रखिए, यहाँ देखिए पहले कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था, मेरे को कल बताया गया कि आइसक्रीम बनना शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। नहीं वो बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। हाँ धन्यवाद अविनाश कुमार जी कॉल करने के लिए, पंतनगर जनवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं लाइन खुले हैं और तब तक हम लोग जो एक और विद्यार्थी ने जो कुछ प्रतिक्रिया अपने जो रिकॉर्ड किए करवाई थी और कहा था कि ये, तो उसकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। तब तक आ जाते कॉलर पे पहले, फिर विद्यार्थी पे चलते हैं। हाँ नमस्कार, पंतनगर जनवाणी से। मैं सर आपको नमस्कार और कुलपति महोदय को प्रणाम। नमस्कार। अभी तक जो आपकी वार्तालाप को सुना है उसे मैं आपके हाथ रखते हुए आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित कार्य और कार्य योजनाओं को पंतनगर जनवाणी के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जाता रहा है। पंतनगर के परिक्षेत्र और रेडियो के दायरे में आने वाले गांव या कस्बा या शहर के लोग जो नियमित रेडियो जनवाणी के साथ अपने अनुभव को गाँव के साथ जुड़ा रहता है वहाँ पर जनवाणी की टीम पहुँचती ही है। उनसे भेद भाषा वहाँ के लोग संस्कृति से दिखाती है या विशेष उनके जनवाणी पंतनगर रेडियो तक आने की कोशिश करती रही है। मेरा आपसे एक सवाल है कि उधम सिंह नगर में खेती लायक जमीन पर बन रहे अवैध कॉलोनी से फसल उगाने के लिए लगातार जो उपजाऊ जमीन का रकबा है वो कट रहा है, क्या उस पर पंतनगर विश्वविद्यालय का कोई मुहिम हो सकता है जल वितरण के लिए? इनका प्रश्न ये है, ये कह रहे हैं कि पंतनगर विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द तराई के क्षेत्र में उपजाऊ जमीन बहुत है, परंतु देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे ये उपजाऊ जमीन धीरे धीरे किसी और पर्पस में, कृषि के अतिरिक्त और पर्पसेस में इन्वॉल्व होती चली जा रही है। इस दिशा में करें तो क्या करें? ऐसा है कि निसंदेह तराई की जमीन बहुत उपजाऊ है और वस्तु स्थिति यह है कि 1970 में इस देश में 140 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती थी। आज भी जो है 140 मिलियन हेक्टेयर में ही खेती होती है, उसमें बहुत सारा इरेडेड डिग्रेडेड बैरन लैंड को सुधार के लाए, बहुत ज्यादा जमीन जो है चली गई। पूरी दुनिया का 17% आबादी भारतवर्ष में रहता है, पूरी दुनिया का मात्र 4.2% पानी भारतवर्ष में है और पूरी दुनिया का मात्र 2.3% जमीन भारत में है जी। 2.3% जमीन पर 17% पूरी दुनिया की आबादी रहती है जी। और प्रति यूनिट जो दुनिया में औसत है आदमियों का प्रति यूनिट लैंड पर, भारत वर्ष में 6 गुना ज्यादा है। और इंडो गंगेटिक एलुवियम जिसमें तराई भी आता है वो उसमें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व तो है प्रति यूनिट लैंड पर। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये खेती योग्य जो उपजाऊ जमीन चली जा रही है उसकी हमें बहुत जबरदस्त कीमत इस देश में चुकानी पड़ेगी जी। आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम लोग समझें, हम आप और सब जो जमीन इस तरफ दे रहे हैं समय की पुकार को समझते हुए समय रहते चेत जाएं जी। अगर नहीं चेतेंगे तो फिर तो भयावह स्थिति अवश्य पैदा होगी। ये तात्कालिक लाभ के लिए एकदम से जमीन बेचना, जमीन की ऊपरी परतों को बेच देना, ये जो चल रहा है इसको लेकर माननीय कुलपति जी ने आगाह किया कि वस्तुतः ये बड़े चिंता का विषय है, अगर अभी नहीं चेते तो वास्तव में बाद में चेत कर भी कुछ नहीं मिलेगा, ये पूरे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब जो एक प्रश्न जो हम लोगों की तरफ से था, जो एक विद्यार्थी ने पूछा था। नमस्कार सर, मेरा नाम कंचन कुमार कांडपाल है और मैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। जब से आपने इस यूनिवर्सिटी में अपना कार्यभार ग्रहण किया है तो एक नया माहौल और एक कार्यों में तेजी ये हमें देखने को मिल रही है। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अदर यूनिवर्सिटीज हैं या फिर दूसरे जो देश हैं वहां पर टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को या फिर इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए उनकी काफी हेल्प हो रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो
हमारी यूनिवर्सिटी के पास अभी ऐसे क्या प्लान है कि जो इनोवेटिव एक आइडियाज होते हैं उनको आगे लेकर के आए, उन पर बच्चे वर्क करें, उनका अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, इस बात को लेकर के मैं अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके प्लान जानना चाहता हूँ। अगर आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है तो लेके आ जाइए, आपको प्लान मिल जाएगा। स्वागत है किसी भी इनोवेटिव आइडिया का, आप लेके तो आओ जी। तो किसी भी तरह के इनोवेशंस को लेकर स्वयं आए, आगे बढ़ें, इनोवेशंस के लिए प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए लगातार जगह है, ऐसा मैंने कुलपति जी के मंशा है। और चलते हैं नए कॉलर की तरफ। हाँ हाँ नमस्कार, पंतनगर जनवाणी से। हाँ नमस्कार, पंतनगर जनवाणी से। हाँ 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 आवाज आ रही है, आप बोले। हाँ सर, मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से बोल रहा हूँ। हाँ जगजीवन जी बोले। सर सबसे पहले तो नमस्ते वीपी सर को और आपको भी। मेरा क्वेश्चन ये है कि वीपी सर को डिफरेंट कॉलेज को देखना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ता है, और उनके पास काफी डिफरेंट टास्क होते हैं सर, और वो बड़ी आसानी से सभी कामों को कर लेते हैं। हम भी स्टूडेंट है, हमें जो होता है गेम सोसाइटी या डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करना होता है। तो मेरा सवाल ये है कि मल्टीपल टास्क के लिए एक क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो सभी टास्क को परफेक्टली कर सके और सारे काम काम को काम समझ के नहीं करना है, बस यही जो है गूढ़ मंत्र है। दूसरी बात, जीवन में एक चीज कर लो कि आज का काम कल नहीं करूंगा। मैं आज का काम कभी कल नहीं करता, इसलिए काम खत्म करके जाता हूं तो आराम से नींद आती है। अगर मैं रख के जाऊंगा तो वो दिमाग पर बैठा रहता है, मैं कभी काम आज का कल नहीं करता। और ये मैं बहुत दिन हुआ है, रात में 1 बजे आया हूं, तो पहले जो चीजें क्योंकि नहीं रहा अगर हेडक्वार्टर पर तो आएंगी, तो मैं पहला काम करता हूं बैठ के, उसको कई दिन ऐसे हुए कि 8 बज गया तो मैं वहीं उठ के ऑफिस चला आता हूं। लेकिन ऐसा 1-2 बार ही होता है, तो ऐसा जब आप अपनी आदत में डाल लेंगे तो जो है वो कभी नहीं काम जो है आप पर प्रेशर डाल पाएगा जी। तो काम का दबाव खड़ा ही ना होने दिया जाए और रोज का रोज हर काम को निपटाते चला जाए। ये बड़ा एक बहुत बड़ा संदेश है, विशेष करके पंतनगर के विद्यार्थियों के लिए, चूंकि यहां पर विद्यार्थियों के बीच में बात करने में एक जो वो कहते हैं वन नाइट फाइट, ये वर्ड चलता है। वन नाइट फाइट है मतलब एग्जाम के दिन तक तो टालते हैं, एग्जाम के पूर्व रात्रि में बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर पर डे चलते रहें, रेगुलर चलते रहें, तो उत्कृष्टता और उपलब्धियां सब अपने पैरों के नीचे होती हैं। चलते हैं नए कॉलर की तरफ। हाँ नमस्कार, पंतनगर जनवाणी से। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार, पंतनगर जनवाणी से। हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। हेलो। आप अपनी बात बोलें। हेलो। लगता है कि फोन लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक बात जो ये इन सारी बातों में से, अति परिश्रम करने की क्षमता, समग्रता जो ज्ञान की है, परिवर्तन की जो इच्छा शक्ति है, और यथास्थितिवाद से निकलने की जो मुहिम है, काम को दिल से लगाकर काम को काम न समझने की जो प्रवृत्ति है, इन सारे गुणों के बारे में हम लोगों ने माननीय कुलपति जी से जाना सुना। एक विषय और भी है कि अभी चलते हुए विश्वविद्यालय के निरंतर के काल के प्रवाह में एक चीज जिसके लिए हम लोग निरंतर तैयारी कर रहे हैं और निरंतर हम उसके लिए धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे हैं, वो है कि हमने सोच रखा है, विश्वविद्यालय ने सोच रखा है कि हम अपने स्थापना दिवस सप्ताह को, 17 नवम्बर जो अपना स्थापना दिवस होता है, स्थापना दिवस सप्ताह को एक भव्य रूप से सेलिब्रेट करें और उसको विश्वविद्यालय के लिए एक मोमेंटस मोमेंट बनाएं, ऐसा विस्मरणीय क्षण बनाएं जिस विस्मरणीय क्षण में विश्वविद्यालय से जुड़ते हुए सारे स्टेक होल्डर्स विश्वविद्यालय में आए, एक उत्सव का सा वातावरण हो। तो उसके बारे में अपनी संकल्पना क्या है? ऐसा है कि अगला कार्यक्रम क्या है, आपके विश्वविद्यालय का सारा काम जो है खत्म हो जा रहा है अक्टूबर महीने में, 1 से लेकर 3 तारीख तक जो है आपका किसान मेला लगेगा जी। उसके बाद रिव्यू होगा, जो अभी हुआ है उसका दूसरा रिव्यू होगा आउटसाइड रिसर्च स्टेशन का, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रेंथन किया जा रहा है जी। तीसरा जो है केवीके का कल रिव्यू है, वो दूसरा रिव्यू हो जाएगा उसी समय। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज खत्म हुई है और 6 महीने बाद दूसरी होगी, वो हो जाएगा। तो सारे का सारा काम 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा।
और ये किसान मेला भी लगेगा अब नए ग्राउंड पर, तब तक सड़क से लेके वो हॉल से लेके प्लेग्राउंड से लेके सब कुछ नया बना हुआ मिलेगा जी। और उस हॉल में पहला फंक्शन होगा ये फाउंडेशन डे लेक्चर का 17 नवंबर को जी। और उसके बाद एल्यूमिनाई मीट होगी 3,000-4,000 जितने लोग आएंगे जी। और उसके बाद आपका कन्वोकेशन होगा जी। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया पूरे 7 दिन का होगा जी। पर एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए एक कमेटी डीन एग्रीकल्चर की अध्यक्षता में काम कर रही है जी। और वो लोग अभी अपनी संस्तुति लेके आने वाले हैं, एकदम माइन्यूट डिटेल्स जी। बट ब्रॉडली जो है अक्टूबर तक ये सब खत्म, 15 अक्टूबर तक, उसके बाद दशहरा, दिवाली और उसके बाद ये सारे फंक्शन, और ये जो है हर साल एक वीक के लिए होंगे जी, इसमें जी। सारे काम उस समय खत्म किए जाएंगे। और ये जो अपना कन्वोकेशन प्रोग्राम है वो भी इसी का हिस्सा होगा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये इसका हिस्सा होगा जी। ताकि जो है अब ऐसी स्थिति कभी न पैदा हो कि 3-4 साल तक डिग्री देने के लिए इंतजार करना पड़े। तो ये वीक में जो है शुरू होगा फाउंडेशन डे लेक्चर से, उसी वीक में एल्यूमिनाई मीट होगी और उसी वीक में कन्वोकेशन होगा, उसी वीक में कल्चरल प्रोग्राम और स्पोर्ट्स होंगे जी। अनेकानेक चीजें होंगी, 7 दिन का प्रोग्राम जी, होगा। पैरेलल प्रोग्राम्स पूरे विश्वविद्यालय में 7 दिनों के लिए चलेंगे। और 17 नवंबर का दिन जो विश्वविद्यालय के लिए वस्तुतः प्रथम दिवस है जिस दिन पंडित नेहरू इस विश्वविद्यालय में आए थे और उनकी उपस्थिति के साथ विश्वविद्यालय को गति मिली थी, तो उस दिवस को और अपने विश्वविद्यालय के संकल्पों को दोहराने के लिए पूरा सप्ताह विश्वविद्यालय मनाएगा। उसके लिए विश्वविद्यालय धीरे धीरे तैयारियों में लगा हुआ है, प्लान कर रहा है, मैन्यूट डिटेल्स जेनरेट कर रहा है और हम उस दिशा में जा रहे हैं कि हम उस पूरे सप्ताह को भव्य रूप से मना सकें। तो फोन लाइनें खुली हैं, एक आध कॉल हम और ले सकते हैं अगर कहीं से किसी की इच्छा है। तो तब तक हम अपने प्रश्नों के अंतिम दौर में आते हुए में जो एक परिवर्तन का वातावरण है और विश्व, तो आ जाते हैं हम अपने कॉलर की तरफ। हाँ नमस्कार। हेलो नमस्ते सर। हाँ, मैं अनुप्रिया बोल रही हूँ कॉलेज ऑफ होम साइंस सेकेंड ईयर से। हाँ अनुप्रिया, सर मेरा क्वेश्चन सर के लिए ये था कि सर हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि अभी हमारी यूथ जनरेशन है तो हमें बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल से मेरा भी कहीं किसी बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है वहाँ पर, लेकिन सर एट द सेम टाइम मेरे अंदर एक सोशल सेंसिटिविटी है कि मैं किसी रिमोट प्लेस पे जाके खुद को सर्व करूँ। तो सर मैं कैसे अपने आप को उस थॉट में कंसिस्टेंट रखूं और खुद को मोटिवेट करूं कि मैं रिमोट प्लेस पे जाके सर्व करूं सर, मतलब कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस करूं, कैसे खुद को हमेशा ये चीज से कनेक्टेड रखूं कि वो लाविश चीज कुछ टाइम के लिए ही है लेकिन जो चीज मेरे अंदर सेंसिटिविटी है वो हमेशा के लिए रहे सर। तो प्लीज ऐसा है कि ये सेंसिटिविटी जब मन में आ गई इसे मैं सेंसिटिविटी नहीं करता हूं, इसे मैं संस्कार कहता हूं। तुम्हारे इतने अच्छे संस्कार हैं कि रिमोट एरिया में लोगों की सेवा का भाव आ जाना ही सारे पुण्य दे जाता है। तुम मुझसे ये लिखवा लो आज, तुम्हारा ये भाव कभी नहीं खत्म होगा। और तुम रिमोट एरिया में सर्व भी नहीं करोगी फिर भी तुम्हें जितना फल मिलता है रिमोट एरिया का वो अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में वो भाव आ चुका है। और जब भाव प्रबल होते हैं तो सारे बांध टूट जाते हैं, और तुम्हारा भाव प्रबल हो चुका है ये कभी नहीं खत्म होगा। सर एक्चुअली मैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहती हूँ सर, लेकिन सर क्या है कि कभी कभी जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है सर, यहाँ पे लगता है कि जो पैसा है, मतलब कभी कभी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस साइड को कि ये जो यूथ स्टेज में, मतलब कि ये पैसा, मतलब अपने पेरेंट्स को सारी लग्जरीज देना, तो सर ये चीज हमेशा वो कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ मैं सर अपने आप को, तो कैसे खुद को कन्विंस करूँ? वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बस भाव को जो है प्रबल रखो, भाव को रखो सेवा भाव, सेवा भाव रहेगा तो मैं तुम्हारे को विश्वास दिलाता हूँ पैसा भी अपने आप दौड़ के आएगा, मान सम्मान भी दौड़ के आएगा, सब अपने आप आएगा। लेकिन जो भाव है, भाव की प्रधानता होनी चाहिए, भाव की महानता होनी चाहिए और भाव में सेवा भाव अवश्य होना चाहिए जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया कॉल करने के लिए, और आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिला होगा कि वस्तुतः भाव की प्रधानता है। भाव जब मन में जागृत हो जाए, संवेदनशील भाव मन में जागृत हो जाए,
तो अपने आप अपने कर्म परिवर्तित होते, विचार परिवर्तित होते हैं और सारा परिदृश्य परिवर्तित हो जाता है, यानी ब्रह्मांड परिवर्तित होने लग जाता है भाव के परिवर्तन के साथ, ऐसा माननीय कुलपति जी ने हमको मार्गदर्शन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे प्रश्न के लिए और ये कॉल करने के लिए, और ईश्वर करे कि आपका ये भाव बना रहे आपके साथ में निरंतर। अब एक दो प्रश्नों के साथ में आज हम लोग अपने माननीय कुलपति जी के साथ इस वार्ता की पूर्णाहुति की दिशा में हैं, और ये जो अंतिम के एक दो प्रश्न हैं, इन दो एक दो प्रश्नों में हम माननीय कुलपति जी से ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इस बदलते परिवेश में, जबकि हम सबके सब उत्कृष्टता की ओर, एक्सेलेंस की ओर, अचीवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय देश के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में खड़ा हो, उसमें हम भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो इस हिसाब से अपनी मानसिकता को खड़े करने के लिए अलग अलग समूह हैं, श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, प्रशासक हैं, इन सभी लोगों के मानसिकता में, हमारी सोच में किस प्रकार का बदलाव आप अपेक्षा करते हैं, किस प्रकार के बदलाव? ऐसा है कि बदलाव की अपेक्षा किस बात की, बदलाव तो आ चुका है जी। मन में जब ये बात आ जाए कि हम अपने विश्वविद्यालय के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, वो मेरे को दिख रहा है, मैं जहां जा रहा हूं वहीं दिख रहा है जी। वो हो रहा है, वो स्वतः हो रहा है, और ये निश्चित रूप से कोई कृपा है जी, और ये होना है इसलिए हो रहा है, तो ये रुकने वाला नहीं है। रही बात इस विश्वविद्यालय की गरिमा का, रही इस विश्वविद्यालय को पराकाष्ठा पर ले जाने का, तो हर चीज का समय होता है, मुझे दिख रहा है वो समय आ चुका है जी जी। तो जितना फाल होना था वो हो चुका है, अब ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और जो पहले की कर्व थी ना, उस कर्व को निश्चित रूप से क्रॉस कर जाएगा और उससे ये आगे जाएगा जी। उससे आगे जाएगा क्योंकि मेरे को दिख रहा है, मेरे को सीधा दिख रहा है कि ये उसके आगे जाएगा। तो जो आपका गौरव था वो लौटेगा ही नहीं, गौरव में कुछ वृद्धि भी होगी जी। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे विश्वास भी है। तो उस दिशा में हम सब लोग बढ़ रहे हैं, सारे लोग बढ़ रहे हैं, कोई एक आदमी थोड़े बढ़ रहा, हमारे जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, मैं देख रहा हूं हमारे भाई बहन जो खेतों में काम कर रहे हैं जी। मैं जाता हूं सबके पास, बहुत लोग मेरे को नहीं पहचानते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ताकि मैं उनसे बात कर सकता हूं, उनकी भाव को समझ सकता हूं। वो जितना मेहनत कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वंदनीय है जी। तो ये माननीय कुलपति जी की जो फीलिंग्स हैं, जो उन्होंने अभी विश्वविद्यालय के परिदृश्य में आप व्यक्त किया, एक बदलते हुए परिवेश को, बदलाव की चाहत को, अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करने की, अधिक से अधिक देने की इस इच्छा शक्ति को, ग्रोइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन जो फीलिंग है, संस्थान के साथ, संस्था के साथ अपनी वृद्धि को जोड़कर देखने की कि ये देश है, ये संस्थान है तो हम है, इस भाव को लेकर चलने की जो एक बयार है, इस बयार को की जो अनुभूति है, उस अनुभूति को माननीय कुलपति जी ने हम सबके बीच में रखा थे। मुझे आज भी स्मरण है कि जब हमने माननीय कुलपति जी हम लोगों के बीच में कई वर्ष पहले थे, और हम लोगों ने इन्हें विज्ञान वारिधि की उपाधि दी थी, उस समय में माननीय कुलपति जी ने अपनी स्वीकारोक्ति उक्ति में कहा था कि जो हम जानते हैं उसके मुकाबले में जो हम नहीं जानते वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं भावों को लेकर वस्तुतः जो हम ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस भाव को लेकर हम जीते हैं, इसी भाव को आज माननीय कुलपति जी के साथ हम लोगों ने फिर से अनुभूति की उस भाव की, और हमने उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की, हमने उनके विचारों के बारे में जानने की कोशिश की, और साथ में हमारे श्रोताओं को भी अवसर मिला कि वो अपने मन की बात अपने माननीय कुलपति जी से कर सके। तो अपने कतिपय समय में से आज माननीय कुलपति जी हम सबके साथ में रहे, हमारे पंतरंग जनवाणी के साथ में जुड़े, हमारे श्रोताओं के साथ में जुड़े, हमारे स्टूडियो के साथ में जुड़े, इसीलिए माननीय कुलपति जी को बहुत बहुत सौभाग्य हम मानते हुए और अपना और माननीय कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति करते हैं, और अंत में माननीय कुलपति जी को बस इतना कहते हैं कि एक संदेश देते हुए आज के कार्यक्रम की पूर्ति करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। धन्यवाद। चला गया भाई। सुनो सुनो रे जन, जरा लगा के मन, सुनो सुनो रे जन, जरा लगा के मन,
90.8 पर पंथ नगर जनवानी, पंथ नगर जनवानी, पंथ नगर जनवानी, सुनो सुनो रे जन जरा लगा के मन, सुनो सुनो रे जन जरा लगा के मन, 90.8 पर पंथ नगर जनवानी, पंथ नगर जनवानी, पंथ नगर जनवानी, रा 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 रा।